रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके और केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद लौटते ही अखिल कुमार को एडीजी गोरखपुर जोन के पद पर तैनात किया गया है। शनिवार को नवागत एडीजी अखिल कुमार ने कार्यभार ग्रहण किया। आपको बता दें, नवागत एडीजी अखिल कुमार लखनऊ के साथ ही गाजियाबाद के एसएसपी रहे हैं। अखिल कुमार लंबे समय तक एसटीएफ में रहे और फिर केंद्र सरकार की सेवा में चले गए। एसटीएफ में तैनाती के दौरान तेज तर्रार छवि के अफसर अखिल कुमार ने 2005 में बड़ा ऑपरेशन चलाकर चंबल के बीहड़ के शेर कहे जाने वाले दुर्दांत डकैत निर्भय गुज्जर का एनकाउंटर किया था। राष्ट्रपति के वीरता पदक से सम्मानित अखिल कुमार ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत एडीजी अखिल कुमार ने कहा, सर मैं एज एसपी इस क्षेत्र में तो देवरिया में रहा जी। उसके अलावा मैं जो बड़े जिले में वो बता देता हूँ, महत्वपूर्ण चार्जेस जो हैं, जैसे लखनऊ रहा हूँ, अलीगढ़ रहा हूँ, गाजियाबाद रहा हूँ, मेरठ रहा हूँ। उसके अलावा कई अन्य जिले हैं, जैसे गाजीपुर रहा हूँ, सुल्तानपुर रहा हूँ, मैं बांदा रहा हूँ, कानपुर देहात रहा हूँ, अमरोहा रहा हूँ, कन्नौज रहा हूँ। इस तरह करीब करीब कोई 12 साल में जिलों में कार्य किया है। स्पेशल टास्क फोर्स में कार्य किया है मैंने, और ये सब के दौरान 2010 में मैं अध्ययन अवकाश पे चला गया था और 2 साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहाँ पर मैंने इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे मास्टर्स किया। 2 साल पढ़ाई करने के बाद मैं वापस आया तो उसके बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर निकल गया था। 3.5 साल में विदेश मंत्रालय में काउंटर टेररिज्म डेस्क है, वहाँ पे डायरेक्टर रहा, और उसके करीब 2-2.5 साल साइबर पॉलिसी डिवीजन भी मेरे को वहाँ पे अलॉट हो गई थी। तत्पश्चात मैं फिर संयुक्त सचिव बन गया था और संयुक्त सचिव में जल संसाधन मंत्रालय को ज्वाइन कर लिया था। सेंट्रल स्टाफिंग की थी, कुछ कोर पुलिसिंग से अलग हटकर कुछ अलग रोल्स किए, जिसमें मैं संयुक्त सचिव रहा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उसका चेयरमैन रहा, नमामि गंगे प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स रहा, वहाँ पे चीफ बिजनेस ऑफिसर था मंत्रालय में। और वो सब करने के बाद मैं फिर पिछले साल राष्ट्रीय डिफेंस कॉलेज में राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कोर्स होता है जिसमें एम फिल डिग्री दी जाती है, वो किया। उसके बावजूद यहाँ पर आपके समक्ष कारगर कदम कोई नई चीज़ नहीं होती है। मेरे को लगता है कि हमें इस प्रकार से संवेदनशील है क्योंकि एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा, इसका लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो हमें अपने मैकेनिज्म, हम किस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमारा कोऑपरेशन मैकेनिज्म स्ट्रेंथन हो और बॉर्डर पुलिसिंग स्ट्रेंथन हो, इस पर फोकस करना पड़ेगा, ना केवल यहाँ बल्कि बिहार में भी, क्योंकि हमारा बिहार का बॉर्डर है। तो उस मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए जो भी व्यवस्थाएँ हैं उसको हम लोग, मैं थोड़ा रिव्यू करूँगा और उसके सुदृढ़ीकरण में ध्यान दूंगा। अब उसमें मेरा फोकस है कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंजिंग है, स्पेशली आपने इंटरनेट के एडवेंट के बाद सोशल मीडिया और अन्य जो मैकेनिज्म है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज आती हैं, इनको हम कैसे इंटीग्रेट करें पुलिसिंग में, इसमें सोचने का समय हमें, मतलब आप जो बेसिक पुलिसिंग है और जो हम बेसिकली रिसोर्स क्रंच में करते रहते हैं, उसके अलावा हम टेक्नोलॉजी को कैसे ब्लेंड कर सकते हैं अपने पुलिसिंग में और अपने आउटरीच को बढ़ाने में, क्योंकि एंड में जैसी भी पुलिस हो, हम जो भी व्यवस्था करें जनहित में पुलिसिंग होनी चाहिए, जनता को लाभ मिलना चाहिए। तो हमारा प्रयास यह रहेगा जैसा आपने कहा कि हाउ डू वी प्लान टेक्नोलॉजीज, जो करंट चीज़ों के अलावा मैं बोल रहा हूँ, उसको हम
संगठित अपराध को रोकने के लिए और अन्य जनता को लाभ देने के लिए, उनको त्वरित मदद मिल सके उसको हम कोशिश करें कि प्रयोग करें। मुझे लगता है कई मामलों में हमारी सूचना तंत्र से आगे होता है। कई बार आप चैनल्स में देखते हैं कि बाइट चल रही है और अधिकारियों को थानों पर नहीं मालूम होती है। सो आई थिंक हमको उस पर विचार करना पड़ेगा। वी विल फोकस ऑन दैट कि हाउ डू वी नो, हम अपने मीडिया बंधु और मीडिया के लोगों को कैसे पुलिसिंग में इंटीग्रेट कर सकें, उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको हम अपने साथ कैसे साथ ला सकें, तो इस पर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। बाकी चीज़ें जैसे जैसे कुछ करूँगा मैं और प्रयास करूँगा तो मैं आपके समझ लाने के आपके माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। संक्षिप्त परिचय ये है कि भाई मैं 94 बैच का IPS ऑफिसर हूँ और अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे था, वापस आया हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में मुझे कार्यभार दिया गया है संभालने के लिए और मेरा सौभाग्य है कि मैं गोरखपुर में हूँ और जनता को यहाँ पर सर्व करने का मुझे मौका दिया गया है और इस अपॉर्चुनिटी को मैं कोशिश करूँगा कि पूरे लगन से, निष्ठा से और ईमानदारी से पूरी करूँ। सर आपको गोरखपुर जोन का कार्यभार दिया गया है सर और ये CMCT भी है सर, तो इसको लेकर यहाँ कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए सर क्या प्राथमिकता है? देखिए प्राथमिकता पुलिस की यही है कि पुलिस का हमेशा रिस्पॉन्स जो है क्विक और प्रॉम्प्ट हो और साथ साथ एक्शन ऐसे हो जो जनहित में हो। अगर आपने अपने सारे फैसले ऐसे लिए जो जनहित में होंगे और क्विकली उसको रिस्पॉन्स को दिया तो ऑटोमेटिक आपकी इमेज अच्छा होगी। तो इस दिशा में कार्य किया जाएगा और इस दिशा में ये प्रयास किया जाएगा कि कैसे आउटरीच हम अपना बढ़ाएं पब्लिक के साथ। पब्लिक और जनता के संवाद के विषय में आज नहीं दशकों से बात होती रही है, बट मेरा प्रयास रहेगा कि इस दिशा में कुछ कंक्रीट कदम उठाए जाएँ और वो कदम मैं आने वाले समय में बताऊंगा आपके माध्यम से कि क्या हम प्रयास कर रहे हैं उस विषय में। सर नेपाल और बिहार से बॉर्डर भी सटे हुए हैं, इस वक्त तमाम गतिविधियाँ आयोजन लगातार होती रहती हैं, तो इसको लेकर सर क्या आपके एजेंडा है? देखिए सबसे जो आपने सही कहा, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा है, इन दोनों सीमाओं पर खास करके हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम अपनी जो कोर एरियाज हैं या कोर पुलिसिंग के एरियाज हैं उस पर फोकस करेंगे ही कि हम इन चीज़ों को कैसे सुदृढ़ करें। साथ ही साथ जो हमारी केंद्र की एजेंसी हैं जो इस दिशा में कार्य करती हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उनके साथ भी हम तालमेल बनाएंगे ताकि वो कोऑर्डिनेशन हमारा इम्प्रूव करे और साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे हमारी सीमावर्ती नेपाल के हमारे जो कलीग्स हैं उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़े ताकि हम लोग अच्छे तालमेल के साथ इस सीमा का रखरखाव कर सकें। सर मीडिया और पुलिस के बीच किस तरह से संबंध स्थापित रहे? आई थिंक मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया हमें वो सूचनाएँ त्वरित ढंग से देती हैं जो संवेदनशील होती हैं, जनहित में होती हैं। पुलिस को चाहिए कि उन सूचनाओं को रिकॉग्नाइज करें, उसमें प्रॉम्प्टली काम करें और मीडिया के साथ अच्छे संबंध बनाने रखें ताकि मुझे लगता है दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, बस आपस में अगर संवाद बनी रहेगी तो दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे और जनता को लाभ होगा।